ये इनटेक का है और ये एग्जॉस्ट का है। पहली पिस्टन जो है इसके टॉप पर रख लेंगे हम। पिस्टन टॉप पे रखने के बाद में इसका बैलेंसर का टाइमिंग हो, बस इतनी क्रैंक घूमेगी। तो इसमें कोई कार्टर नहीं होती है, ना ही यहाँ पर होती है। ये इंजन है फोर्ड रेंजर और माजदा 6 का। तो इसकी टाइमिंग चेक करते हैं। पहली और चौथी नंबर की पिस्टन टॉप पर रख करके यहाँ पर एक बोल्ट टाइट कर देंगे जो आपकी क्रैंक को लॉक कर देता है। ये देखिए, पहले पिस्टन टॉप रखनी है, फिर आपने बोल्ट टाइट करना है तो क्रैंक को लॉक कर देगा। यहाँ से क्रैंक को और ज़्यादा घूमने नहीं देता है, क्योंकि जब हम बोल्ट टाइट करते हैं ना क्रैंक का, तभी हेल्प करता है, घूमेगा नहीं इससे इंजन आपका कहीं पे भी। तो आप इसको पहले टाइट कर देंगे। तीसरी और दूसरी पिस्टन ऊपर रहनी है, पहली और चौथी पिस्टन नीचे चली जाएगी। पिस्टन टॉप पे रखने के बाद में इसका बैलेंसर का टाइमिंग ये होना है, ये बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड में रहना है। ऐसे दूसरी और तीसरी पिस्टन नीचे रहनी है, पहली और चौथी पिस्टन ऊपर रहनी है। यहाँ पर एक बोल्ट लगा लेंगे ये, जो क्रैंक को लॉक करके रखता है, क्रैंक को घूमने से रोकता है। ये इसका बैलेंसर का टाइमिंग है। तो पहली पिस्टन जो है इसके टॉप पर रख लेंगे हम इसको ड्राइवर की हेल्प से यहाँ से, और एक बोल्ट यहाँ से टाइट कर लेंगे तो वो क्रैंक को इस तरह से लॉक कर देगा, ये आगे को नहीं घूमने देता है। ये देखो, बस इतनी क्रैंक घूमेगी। ये पिस्टन हमारी टॉप पर आ गई, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद में हम इसका चैन का अलाइनमेंट करेंगे। इसके क्रैंक में कोई कार्टर पिन वगैरह नहीं होती है, ये फ्री होता है, मैन पुल्ली से बोल्ट के द्वारा टाइट होकर ये जाम होता है। तो इसलिए अच्छे से चेक करना, इसका कोई टाइमिंग नहीं है ऑयल पंप का। उसके बाद कैमो की पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से है। ये देखो, ये इनटेक की और ये एग्जॉस्ट की इस तरह से रहनी है, आमने सामने, ठीक है, लाइक दिस। और पीछे जो है यहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया है, एक इसके अंदर वो लगा के, ये लोहे की पत्ती लगा के यहाँ से इसको लॉक कर दिया हमने ये। और ये कैमो की टाइमिंग इसकी, ठीक है, कैमो की पोजीशन ये इस तरह की। ये इनटेक का है और ये एग्जॉस्ट का है। तो इसमें कोई कार्टर नहीं होती है, ना ही यहाँ पर होती है। इसका जो क्रैंक सेंसर का रिलेक्टर है इसके साथ जुड़ा होता है, तो इसमें एक होल होता है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें बोल्ट लगाना होता है, इसमें टाइट करना होता है। तो एक 10 नंबर का बोल्ट हमने ले लिया है इसमें टाइट करने के लिए। तो अब पुल्ली को लगाएंगे तो इसके अंदर इस तरह से, ये देखिए, और ये बोल्ट इसका हम इसके अंदर टाइट कर देंगे ताकि इसका जो है सेंटर आउट ना हो ये इसका, क्योंकि यहाँ पर क्रैंक सेंसर खिंचा होता है। और हमारी क्रैंक यहाँ से लॉक हो गई, वो घूमेगी नहीं। अभी ये वाला बोल्ट खोल के बाहर निकालेंगे और इसको लूज करेंगे और इंजन को राउंड लेकर देखेंगे। अब ये इसका बोल्ट होता है, इसको यहाँ पर जो है रिटर्न कर देंगे। सारा काम इसका कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से बोल्ट टाइट करके चेक कर लेंगे कि टाइमिंग प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने ये लगा कर देख लिया यहाँ पर। और पीछे देखो, कैमो का भी एकदम ठीक है, वो पूरा बराबर है, ये देखो। तो ये इसका सिंपल सा टाइमिंग है। ये इंजन है फोर्ड रेंजर में, फोर्ड फ्यूज़न में और मस्टैंग में, सब में यही इंजन आया है, और माज़दा 6 में भी यही है। आप इस मेथड को यूज़ करके सिंपली इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं।